मजीद वीडियो के लिए नीचे सब्सक्राइब के बटन को दबा दें और बेल के आइकॉन को भी दबा दें ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो मिल सके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद हुज़ैफ़ा और आप देख रहे हैं कारीगर टीवी। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इस स्कूटी की जो बैटरी है उसे चेंज करेंगे। दोस्तों इससे पिछली वीडियो में मैंने जो फ़िल्टर था वो चेंज किया था और फ़िल्टर हमने होममेड बनाया था, जिसकी वजह ये थी कि फ़िल्टर जो है वो लॉकडाउन की वजह से और दूसरी सरगोधा में इसका फ़िल्टर नहीं मिल रहा था, लाहौर से मंगवाना था वो, तो आरजी तौर पर मैंने वो बना लिया है तो वो लगा भी दिया है। दूसरा दोस्तों इसका जो मसला है, इसकी ये जो बैटरी है ड्राई बैटरी, ये भी सरगोधा से नहीं मिल रही, तो इसको हम लाहौर से ही हमें इसे मंगवाना पड़ेगा, लेकिन फ़िलहाल लॉकडाउन की वजह से लाहौर जाने में मसला है। तो ये दोस्तों मैंने जो मोटरसाइकिल को आम जो बैटरी होती है ये मैं वो लेकर आया हूँ, एक साइड वालों की है, 500 रुपये की ये आई है, हम इसे ही इसमें इंस्टॉल करेंगे और देखेंगे स्टार्ट करके क्या इससे ये स्टार्ट हो रही है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जिस तरह पहले लाल जो वायर है उसके साथ हम रेड वाली वायर के साथ रेड वायर ही लगा देंगे और जो ग्रीन होगी यानी कि न्यूट्रल उसके साथ हम ग्रीन वायर ही लगा देंगे। तो दोस्तों मैंने बैटरी जो है वो इंस्टॉल कर दी है, तो अब हम इसे स्टार्ट करके देख लेते हैं। तो आप दोस्तों देख सकते हैं कि ये बैटरी भी बिल्कुल परफेक्ट काम कर रही है। तो ये जो दोस्तों बैटरी है ये 12 वोल्ट 6 एम्पेयर की है, तो इसके जो साथ की मुझे नहीं मिली, तो ये जो बैटरी मैंने लगाई है ये है 12 वोल्ट और 4.5 एम्पेयर की। तो इसमें दोस्तों हम दो बैटरियां भी लगा सकते हैं, फ़िलहाल मैं एक ही लगा रहा हूँ। तो जैसे ही ये 3 दिन के बाद लॉकडाउन ऑन होगा तो ओपन होंगी दुकानें, तो मैं दूसरी बैटरी भी इसमें इंस्टॉल कर दूंगा, लेकिन उसको हम पैरालल लगाएंगे, सीरीज़ में नहीं लगाएंगे। सीरीज़ में लगाने से दोस्तों वोल्ट जो है वो इंक्रीज़ हो जाएंगे, हमें वोल्ट 12 ही चाहिए। यहाँ पर दोस्तों इसके साथ ये हिले ना, इसके लिए कोई कपड़ा वगैरह या कोई गत्ता यहाँ पर हम रख देंगे ताकि बैटरी जो है अपनी जगह से बिल्कुल हिले ना। और ये दोस्तों इसमें जो पाइप होता है ये मैंने पाइप जो लगा दिया है और इसे मैंने यहाँ नीचे यहाँ पर कर दिया है ताकि इसमें से जो वाटर तेजाब वाला निकले वो नीचे ही गिरे, मोटरसाइकिल पर ना गिरे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस चैनल पर मैं लेकर आता रहता हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो के तक के लिए अल्लाह हाफिज़।